पति की शक्ल चाहे करेले जैसी हो, उन्हें वो चांद लगता है। नारायण फैमिली भरा पूरा परिवार है, लेकिन सब पर क्रिकेट का भूत सवार है। मोहब्बत में जो रूठा है, मोहब्बत से ना माने तो लगाए कान के नीचे। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिंदगी में किसी भी लड़की को, लड़कों तुम्हें कह रहा हूं, अगर प्रपोज करो, कहो कि मोहब्बत है, थोड़ा सोच समझ के करना, वरना मुश्किल हो जाती है। लेकिन लड़के तो मानते कहां हैं। एक लड़का लड़की के पास गया, ए आई लव यू, क्या ए आई लव यू, उसने दिए दो टांग। बोली क्या बोला रे तू, क्या बोला? बोले सुना नहीं तुम्हारा क्यों? और एक लड़का तो और कमाल का मिला मुझे, अब की बार बोले सर मैं किसी को प्रपोज करने जाऊंगा तो आईना साथ में लेके जाऊंगा। इनका प्रपोज करने का आईने से क्या लेना देना है? बोले आपके साथ में लेके जाऊंगा। लड़की जैसे कहेगी कि आईने में अपना चेहरा देखा है, मैं तुरंत देख लूंगा। जिंदगी में मोहब्बत बड़े काम की चीज है। और हमारे साथ वो लोग हैं जो मोहब्बत की बात करते हैं, कविता की बात करते हैं, बड़े कमाल के लोग इधर हैं जो खुद को महान कहते हैं। इन्होंने अपना नाम ही महान रख दिया। जब सोचा घर वालों ने कि ये तो कोई कहेंगे नहीं महान, तो इनका मैं खुद ही महान हो जाता हूँ, इससे बड़ी ये क्या हो सकता है। ये मुकुल महान है जो लखनऊ से हमारे बीच में आते हैं, लखनऊ के पास बिल्कुल है कानपुर, वहां से जफर कानपुरी हमारे साथ बीच में आते हैं। जफर कानपुरी साहब के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। तो इधर मुकुल जी है, इधर जफर जी है, बीच में मनीषा शुक्ला है। मनीषा शुक्ला एक अर्ध सरकारी उपक्रम में काम करती है। अब अर्ध सरकारी उपक्रम को हिंदी में क्या कहते हैं आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ये एक बहुत अच्छे विभाग में भारत के काम करती है और हिंदी कविताएं करती है और बहुत बड़ा काम कर रही है साहित्य के लिए भी और देश के लिए भी नौकरी कर रही है। तो मनीषा शुक्ला का स्वागत करते हैं। क्या जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहता हूं मुकुल महान को। नमस्कार शैलेश जी, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है जी, लेकिन हमारे देश में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा खूब क्रिकेट होता है। बल्कि क्रिकेट हमारे दिनचर्या का पार्ट ऐसा हो चुका है कि हम लोग क्रिकेट खाने पीने सोने जागने सब में क्रिकेट करने लगे। तो मैंने कोशिश की है कि क्रिकेट हमारी जिंदगी में कितना आ गया है उसको मैंने कविता में ढालने की कोशिश की है। देखिएगा सब कुछ क्रिकेट है कविता में, आपको लगेगा कि आप T20 खेल रहे हैं मेरी कविता के माध्यम से। हमें पत्नी से ये न्यूज मिली, न्यूज ज्यादातर पत्नियों से ही मिलती है शायद, और उनमें अच्छा दिक्कत यह है कि पत्नियों में कोई स्विच नहीं होता कि आप कर दो उसे जी। वो खुद ही बंद होगा चैनल, तो बंद होगा पत्नी रूपी चैनल। कि हमें पत्नी से न्यूज मिली, हमें पत्नी से ये न्यूज मिली, पड़ोस में नए किराएदार आए हैं, मुन्ना लाल एंड फैमिली भरा पूरा परिवार है, लेकिन सब पर क्रिकेट का भूत सवार है। अब देखिए क्रिकेट का भूत कैसे सवार है, क्रिकेट जीते हैं, क्रिकेट पीते हैं, क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट बोलते हैं, जिंदगी की हर बात क्रिकेट के तराजू पर तौलते हैं। अच्छा, जिंदगी की हर बात क्रिकेट के तराजू पर तौलते हैं। दृश्य देखिएगा कि एक दिन हम मुन्ना लाल जी के घर गए, हमें लगा कि हम क्रिकेट की पिच पर उतर गए। अच्छा, हमने दरवाजे पर लगी कॉल बेल दबाई, भाभी जी ने दरवाजा खोला और एक उंगली उठाई। भाभी जी ने दरवाजा खोला और एक उंगली उठाई, हमने कहा भाभी जी समझ में नहीं आया आपने इशारे में क्या बताया। भाभी जी बोली नो डाउट, इसका मतलब है मुन्ना लाली जाओ। हमने जिज्ञासा जताई कब तक लौट के आएंगे मुन्ना लाल भाई, भाभी जी बोली आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं चौका लगाने जा रही हूँ। चौका लगाने, वाह, किचन, चौके को किचन भी कहते हैं। मैं चौका लगाने जा रही हूँ, आगे का आंखों देखा हाल मेरा बेटा बताएगा। अच्छा, अब दृश्य देखेगा कि इतने में मुन्ना लाल जी का बेटा एक टिप्पा खा के प्रकट हुआ। टिप्पा खा के सब प्रकट चल रहा, इतने में मुन्ना लाल जी का बेटा एक टिप्पा खा के प्रकट हुआ, फुलटास की तरह मेरे सन्निकट हुआ,
बोला अंकल जी बाउंड्री पर क्यों खड़े हैं? कहा सब क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी आएगी। बोला अंकल जी बाउंड्री पर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए एक कप चाय आगे बढ़ के उठाइए। आगे बढ़कर उठाइए, वाह वाह बहुत बढ़िया। अंदर आइए एक कप चाय आगे बढ़ के उठाइए। हमने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, मुन्ना लाल जी के कुत्ते ने मेरी तरफ फेस किया। अच्छा, मुन्ना लाल जी के कुत्ते ने मेरी तरफ फेस किया, मैं वैसे ही आश्चर्य में पड़ा था। देखा कुत्ता हेलमेट पहने खड़ा था। मैंने जिज्ञासा जताई कुत्ते को हेलमेट क्यों पहनाया है भाई। लड़का बोला अंकल जी हेलमेट से इसका मुंह कवर हो जाता है। वाह वाह, हेलमेट से इसका मुंह कवर हो जाता है, वरना बैक फुट पे आके लेग कटर हो जाता है। बैक फुट पे आके लेग कटर हो जाता है। खैर इतने में चाय आ गई, हमारी नजर मुन्ना लाल जी के छोटे बेटे से टकरा गई। छोटे बेटे पर क्रिकेट का बुखार सबसे ज्यादा चढ़ रहा था, कॉपी किताबें हवा में उछाल उछाल के पढ़ रहा था। अच्छा, कॉपी किताबें हवा में उछाल उछाल के पढ़ रहा था। हमने फिर से उत्सुकता जताई, ये हवा से क्या बातें कर रहा है भाई। लड़का बोला अंकल जी आपको इतना भी नहीं दिख रहा है, ये तो न्यूटन की गति के नियम सीख रहा है। इसे क्रिकेट का कोई चस्का नहीं है, ये तो चेक कर रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र तो खिसका नहीं है। से भागा वापस पवेलियन आया, अगले पवेलियन को मतलब घर आ गए। अगले दिन हमें मुन्ना लाल जी टकराए, हमने उन्हें क्रिकेट के सारे वाकिये बताए। मुन्ना लाल जी बोले मुकुल भाई आपका कहना 100% करेक्ट है, लेकिन देश पर क्रिकेट का साइड इफेक्ट है। लेकिन पूरे देश पर क्रिकेट का साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है कि लॉन्ग आर्म नेता शॉर्ट लेग पर पड़े हैं। और पुलिस वाले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। नैतिकता कुटिलता का पावर प्ले सह रही है। और बेरोजगारी बाउंड्री पार कर बह रही है। क्या बात है, वाह। अर्थव्यवस्था कॉटन बोल्ड हो गई है और टीम में सिलेक्ट न होने के कारण ओल्ड हो गई है। मुन्ना लाल जी बोले मुकुल भाई आपको हमारे घर की पड़ी है, अरे पूरी दुनिया ही सिली पॉइंट पर खड़ी है। सिली पॉइंट, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुन्ना लाल जी बोले मुकुल भाई आपको हमारे घर की पड़ी है, पूरी दुनिया ही सिली पॉइंट पर खड़ी है। तो मित्र यही है क्रिकेट का लोकतांत्रिक चित्र, बुरा मत मानिएगा, पर यह बात बताते हुए खल रही है क्योंकि आजकल पूरी दुनिया किसी थर्ड अंपायर के भरोसे चल रही है। और इस तरह से मुकुल महान एक बहुत शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन की तरफ लौटे हैं और एक बड़ी संतुष्ट पारी खेलने के बाद उन्होंने बहुत सारे चौके लगाए, बहुत सारे छक्के लगाए और मुकुल महान के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली है, तो अगली टीम में भी उनका सिलेक्शन बड़ा पक्का हो जाएगा। दूसरे खिलाड़ी जो इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं कोने के अंदर, वो सोच रहे हैं कि इसने तो अच्छा खेल लिया, मेरा क्या होगा। उनकी बारी है क्योंकि पिच पे आने के पहले हर आदमी को ये महसूस होता है कि वो अच्छा खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, लेकिन मौसम साफ है और हमारे अगले खिलाड़ी कनखियों से मनीषा शुक्ला की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं अगर मैं अच्छा खेलूं तो शायद ये मेरे लिए जरा चीयर लीडर बन जाएगी और जबरदस्त चीयर करेगी। जफर कानपुरी साहब आइए। कहता हूं मेरे तकिए मेरे बिस्तर मेरे दीवान के नीचे, मेरे तकिए मेरे बिस्तर मेरे मेरे तकिए मेरे बिस्तर मेरे दीवान के नीचे तेरी यादें मिली कमरे के हर सामान के नीचे। हाय हाय, वाह। मेरे तकिए मेरे बिस्तर मेरे दीवान के नीचे तेरी यादें मिली कमरे के हर सामान के नीचे। और शेर ये होता है शैलेश भाई, मोहब्बत से मना उसको,
मोहब्बत में जो रूठा है, मोहब्बत से मना उसको, मोहब्बत में जो रूठा है, मोहब्बत से ना माने तो लगाए कान के नीचे। मोहब्बत से मना उसको, मोहब्बत में जो रूठा है, मोहब्बत से ना माने तो लगाए कान के नीचे। मैं एक गीत का मुखड़ा पढ़ता हूँ, पढ़िए सर। दोस्तों आप साथ दीजिएगा। मेरे यारो मुसीबत से तुम आंखें चार कर लोगे, किसी कॉलेज की लड़की से अगर तुम प्यार कर लोगे, किसी कॉलेज की लड़की से अगर तुम प्यार कर लोगे। मैं बम पढ़ रहा हूँ और वजह बता रहा हूँ क्यों। कभी पिक्चर दिखाओगे, कभी पिकनिक पे जाओगे, उसे हर दिन घुमाओगे, तो रोजी कब कमाओगे। क्या बात, उसे हर दिन घुमाओगे तो रोजी कब कमाओगे, तो फिर हफ्ते के सातों दिन को तुम इतवार कर लोगे, तो फिर हफ्ते के सातों दिन को तुम इतवार कर लोगे, किसी कॉलेज की लड़की से अगर तुम प्यार कर लोगे। मैं आखिरी बात पढ़ता हूँ। अगर शामों सहर दिल भर से यूं कॉलिंग करोगे तुम, कॉलिंग मुसलसल रात को जागोगे और चैटिंग करोगे तुम, यही हर दिन किया तो खुद को तुम बीमार कर लोगे, आए, 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 आए। किसी कॉलेज की लड़की से अगर तुम प्यार कर लोगे, किसी कॉलेज की लड़की से अगर तुम प्यार कर लोगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हम आपको बता दें कि आज से हम एक छोटा सा सेगमेंट और शुरू कर रहे हैं जो बड़ा कमाल का, इसका नाम है नई कलम। हम एक ऐसे कवि को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो अभी हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पे आया है, लेकिन उसमें प्रतिभा का भंडार है, और हर बार हम आपके सामने लेके आएंगे कि ऐसे ही कवि को। भाई जफर कानपुरी जी जो थे वो लड़कों को सलाह दे रहे थे कि प्यार मत करना, अब मनीषा शुक्ला के पास किसके लिए सलाहें हैं या नहीं है तो वही आके बता सकती हैं, तो हम चाहते हैं कि मनीषा शुक्ला आएं। आप जरा इनके लिए तालियां बजाएं भाई, मनीषा शुक्ला आइए। बहुत शुक्रिया। महिलाओं को लेकर तमाम बातें की गई, महिलाएं ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। दरअसल हिंदुस्तान सीता सती सावित्री का देश है, और यहाँ पर महिलाएं अपनी पर आ जाएं तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आती हैं, ताकि जीवन भर उसके प्राण आराम से पी सकें। एक गीत आप लोगों को सुनाने का मन है, आदरणीय शैलेश जी, क्योंकि राजस्थान से हैं और राजस्थान में एक शैली है जहाँ महिलाएं खाने पीने की चीज़ों पर गीत लिखकर अपने पति को अपने प्रेमी को रिझाती हैं। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है, आप तक गीत पहुंचा रही हूँ। सुनो। सैया जारी, ओ सैया जारी, बनाई मैंने दाल मखनी।
की शक्ल चाहे करेले जैसी हो उन्हें वो चांद लगता है। सुनिए, गोरे मुखड़े पर तिल जैसी दाल उड़द की काली, गोरे मुखड़े पर तिल जैसी दाल उड़द की काली, तेरे जैसी ही अखड़ और तुझसी ही नकराली, सारी रात भिगाई मेरी दाल मखनी, अब तो आ जा रे हर जाई सौंधे चूल्हे के लिए, दोनों में स्वाद लाने के लिए सब्र बड़ा जरूरी होता है। पर ये तो फास्ट फूड का जमाना है। जी, मैं निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि आज बिलो या माखन इतना मठनी मुझसे रूसी, आज बिलो या माखन इतना मठनी मुझसे रूसी, तीखी मिर्ची सिलबट्टे पर बड़े प्यार से पीसी, तीखी मिर्ची सिलबट्टे परोसा जाता है। और यही कारण है कि आप 5-star होटल में खा लें या 7-star होटल में, पेट केवल अपने घर आकर भरता है। क्या बात, सुनिएगा। बड़े जतन से छौंक लगाया खुशबू से घर महका, लाख जतन से छौंक लगाया खुशबू से घर महका, इंतजार में मन का सोना खदबद करता देखा, अब तक हाँ अब तक सुन नायिका बड़ी भोली है जो उस आदमी को दाल मखनी के चक्कर में बुला रही है जो मुकुल महान और जफर कानपुरी जैसे हैं, क्योंकि मर्द तो मर्द हैं। तब इस गीत के बाद मुझे सिर्फ इतना ही कहना है आपकी उस नायिका को कि नायिका दाल मखनी बना के इंतजार में थी लेकिन वो नहीं आ रहा था। नायिका दाल मखनी बना के इंतजार में थी लेकिन वो नहीं आ रहा था। इस बेचारी को क्या मालूम कि वो बैंकॉक में चाउमीन खा रहा था। अब क्या किया जाए, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज से हम एक नई कलम, ये सेगमेंट हम लेके आ रहे हैं। इसमें हम कभी कभी हमारे देश के उन युवा प्रतिभाओं को आपके समक्ष पेश करेंगे जिन्हें अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कविताएं लिखते हुए, लेकिन उनमें संपूर्ण प्रतिभा है। वो आज के दीपक है, कल के सूरज बनेंगे। ऐसी एक प्रतिभा को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उनका नाम है लवलेश यदुवंशी। प्रतापगढ़ जिले से हमारे बीच में आए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं चैनल का और शैलेश सर का। सरहदों से बात शुरू करता हूं 4 पंक्तियों में। हाँ लवलेश। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, विजय पथ पर चलेंगे हम कभी हारा न जाएगा, ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। वाह, क्या बात है लवलेश। वाह। मैं गांव से आता हूं, गांव में रहता हूं, वहां से 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं।
पसीने का मेहनताना कभी बर्बाद मत करना, किसानों का ये मुस्काना कभी बर्बाद मत करना, महीनों की कड़ी मेहनत से ये तैयार होता है, अन्न का एक भी दाना कभी बर्बाद मत करना। वाह वाह नमले, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और दहेज प्रथा को नए प्रारूप में पेश करता हूँ कि रिवाजों की मलिन धारा में बिन सोचे क्यों बहते हैं, संवरते हैं मका कुछ के तो घर कुछ के क्यों ढहते हैं, अगर औरत बिकी तो शान से कहते तवायफ है, मगर जब मर्द बिकता है उसे दूल्हा क्यों कहते हैं। मगर जब मर्द बिकता है उसे दूल्हा क्यों कहते हैं। और एक संदेश चार पंक्तियों में के पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना। आज जब लोग मोबाइल की तरफ भागते हैं तो इसका भी आना जरूरी है कि पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ठराबें हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ठराबें हर समय रखना। तुम्हारे पैर में जूते भले हों बेशक, लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना। लवलेश बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। और लवलेश ये जो पीढ़ी तुम्हारे लिए खड़ी हुई है ये एक बहुत बड़ा कवि बनने की राह में तुम्हारा कदम है। आज करोड़ों लोगों के सामने तुमने सुनाया है, ऐसे ही हीरो को हम ढूंढ के लेके आएंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपकी तालियां इन्हें उस ऊंचाई पे ले जाएगी। और जिंदगी में अब क्या कहना, आज तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ विशेष है। इधर शैलेश है, इधर लवलेश है। वाह भाई वाह।